गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार। भाषा के धनी, स्वभाव में विनम्रता, आकर्षक व्यक्तित्व, राम वृक्ष बेनीपुरी एक कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और राष्ट्रवादी थे। इतिहास गवाह है, देश को झंझोड़ कर एक नए सिरे से शुरू करने की हर कोशिश में साहित्य का हाथ रहा है। और एक ऐसा लेखक जो अपनी कलम द्वारा देश के मन को टटोल लेते हैं, वे थे राम वृक्ष बेनीपुरी। एक साहित्य के रूप में बेनीपुरी जी की सबसे बड़ी देन जो हिंदी को है, वो एक ऐसी शैली जो शैली बेनीपुरी की ही शैली थी। कि ये सिर्फ रचनाकार ही नहीं थे बल्कि रचनाकारों को बनाना भी जानते थे। स्वयं राष्ट्रकवि दिनकर ने महसूस किया कि यदि लिखा दिनकर ने कि यदि बेनीपुरी नहीं होते तो दिनकर दिनकर नहीं होता। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, उस गांव का नाम है बेनीपुर। 23 सितंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस गांव में जन्म हुआ था राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक एक दिन जाकर इतना बड़ा लेखक, कवि, उपन्यासकार, साहित्यकार, पत्रकार और राष्ट्रवादी होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी सिर्फ समाजवादी क्रांति के लिए नहीं जाने जाते बल्कि निर्भीक पत्रकारिता, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और सशक्त साहित्यिक हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ बिहार का ही मस्तक गौरव के साथ ऊंचा नहीं किया बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए और एक समाजवादी क्रांति के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। एक लेखक का जीवन और एक पत्रकार का जीवन बिल्कुल अलग होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी दोनों ही किरदार समान रूप से निभाते थे। वो एक बेबाक, निडर और देशभक्त हिंदी पत्रकार के रूप में लोकप्रिय थे। सन 1929 में उन्होंने युवक नाम के एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की जो नेशनलिज्म को बढ़ावा देता था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था। युवक नामक एक पत्रिका निकाली थी उन्होंने और युवक पत्रिका का बड़ा योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में भी, एक साहित्यिक और राजनीतिक चेतना के प्रसार में भी। युवक यहीं पटना से वो निकालते थे और पटना विश्वविद्यालय के सामने एक सड़क है, वहीं दफ्तर हुआ करता था युवक का। और उस समय जितने प्रगतिशील लोग थे सबकी रचनाएं छपती थी युवक में, बेनीपुरी जी उसका संपादन करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने नई धारा नाम की एक पत्रिका का संपादन भी किया जो नए कलाकारों को, नए लेखकों को बढ़ावा देता था। मेरे एक मित्र पत्रकार ने जब उसे पढ़ा तो कहा कि उन्होंने जो चीज़ आज 2012-13 में हो रहा है वो उन्होंने 1936-37 में कैसे लिख दिया। क्योंकि यार ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते थे, हम लोग तो बस पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेखनी के मामले में वो समय से कहीं आगे भी थे। नई धारा एक तरह से साहित्य की नई धारा थी। जितने स्थापित लोग हैं नई धारा में बेनीपुरी जी के संपादन में छपना अपना गौरव मानते थे उन दिनों। इसलिए हिंदी के जो प्रथम श्रेणी के लेखक स्थापित हैं आज, वो सब कहीं ना कहीं नई धारा से जुड़े हुए थे बेनीपुरी जी के कारण। लेखन और पत्रकारिता के जरिए राम वृक्ष बेनीपुरी स्वाधीनता संग्राम में पूरा योगदान देते थे जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 9 अगस्त 1942 को बाबूजी का एक लेख प्रकाशित हुआ जिस पर कि भारत सरकार ने उनको 3 साल के लिए नज़रबंद कर दिया था। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। मेरा जन्म 12 अगस्त 1942 को हुआ, यानी कि बाबूजी मुझे देख नहीं पाए थे, जेल चले गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि उस 3 साल के दौरान मैं जब 3 साल का हो गया था तब सबसे पहले मैंने बाबूजी को देखा। लेकिन जेल की सलाखें उनके चिंतन को रोक नहीं पाई। जब भी वो जेल से बाहर निकलते उनके हाथों में मैन्युस्क्रिप्ट का पूरा बंडल होता था। बेनीपुरी जी
को एक ऊर्जा मिलती थी संघर्ष के दरमियान, और उस ऊर्जा को रचनात्मक स्तर पर ढालने के लिए जेल जीवन उनके लिए सबसे मुफीद हुआ करता था, क्योंकि बाहर तो भाग दौड़ है, लोग मिलने जुलने वाले हैं, उतना समय उतना अवकाश नहीं मिलता था। तो उस जेल के उस जीवन का उपयोग है ना, जो फुर्सत के क्षण होते थे उसका उपयोग लेखन में करते थे। आपने सुना होगा कि अम्बपाली की रचना, जो भारतवर्ष में नाट्य अकादमी का जब गठन हुआ तो पहली बार उसी का चयन हुआ था अम्बपाली का। उसकी सर्जना भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में ही की गई थी। फिर उस जेल में उन्होंने रोजा लग्जमबर्ग की जीवनी भी तैयार की थी, उस रोजा की जीवनी जिसने क्रांति के नाम जर्मनी में अपने को शहीद कर दिया, जो नाजियों के द्वारा मार ही नहीं गई बल्कि समाजवादियों ने जब इनकी प्रतिमा तैयार की उसे भी हिटलर ने तोप से उड़वा दिया। उनकी कई सर्वश्रेष्ठ रचनाएं कारावास के दिनों की ही देन है, जैसे अम्बपाली, रोजा लग्जमबर्ग ये अनुवाद है, जंजीरें और दीवारें ये जेल के बारे में उनके अनुभव को बयान करती है, ट्यूलिप्स, रविंद्र भारती जो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं हैं उनका अनुवाद उन्होंने इसमें किया है, माटी की मूर्तें जिसे 8 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, उसके अलावा कई और किताबें उन्होंने लिखी है, जैसे पतितों के देश में एक कैदी ने उन्हें अपनी जीवन की कहानी सुनाई जिस पर बेस करके उन्होंने पूरा उपन्यास लिखा जिसका नाम है पतितों के देश में। जेल में एक नए तरह का अनुभव तो होता ही था, और वे सारे के सारे लोग समाज को बदलने वाले लोग थे, एक क्रांतिकारी राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, तो उसका जो अनुभव होता था उससे एक नया चरण उनके जीवन का शुरू होता था। अपने जेल आवास के दौरान केवल लेखन से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी अपने अदम्य साहस का परिचय दिया बेनीपुरी जी ने। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण बंदी थे, ये घटना आप सब लोग जानते हैं कि हजारीबाग जेल से जेपी को भगाने की योजना बनी थी उसमें बेनीपुरी जी की बड़ी भूमिका थी। बेनीपुरी जी ने पूरी योजना बनाई थी और जितने इनके समाजवादी साथी जेल के भीतर थे और जेल के बाहर थे उनके साथ मिलकर बेनीपुरी ने योजना बनाई, और दिवाली की रात को जेपी हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर निकले थे। योजना यह थी, बेनीपुरी जी को के जिम्मे ये काम था कि दिवाली की रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम वो आयोजित करेंगे जेल के भीतर, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सारे जेल अधिकारी व्यस्त रहेंगे, उसी दरमियान जेपी को निकाला जाएगा। बेनीपुरी जी ने क्या किया कि जेपी का जो कमरा था जिसमें थे उसमें उन्होंने मच्छरदानी लगवा दी, और कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम जेल के भीतर चल रहा था, दिवाली की रात थी, जश्न मनाया जा रहा था, उन्होंने तकिया रखा, जैसे सिरहाने तकिया रख दिया, और उस पर चादर, बीच में तकिया रखा फिर पांव की तरफ भी, और चादर उड़ा दी। ऐसा लगा कि जेपी लेटे हुए हैं, और रात भर लोग करते रहे। और योजना के अनुसार कि उन्होंने तय किया था कि जो प्रहरी है चारों तरफ पूरे जेल के परिसर को जो चौकसी बरतता है, घूमते हुए इतने मिनट के अंदर वो मुख्य द्वार के सामने आता है, तो पीछे की दीवार फांदने में कितना समय लगेगा, सारा कुछ इन लोगों ने तय कर लिया था। और इसी बीच जेपी को दीवार फंदा करके निकाल दिया गया बाहर। सुबह जब कैदियों की हाजिरी लगती है तो, और ये प्रचारित किया कि भाई जेपी थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं, कुछ खाने, दिवाली की रात है, खाने पीने में कुछ बदपरहेजी हुई, थोड़ा मारो, इसलिए वो सोए हुए हैं। जब हाजिरी लगने लगी और वो आए नहीं कि, तो पहले तो कहा कि तो जेलर था, उसको थोड़ा संदेह हुआ, गया देखने के लिए सुबह, तो देखा कि चादर हटाई गई, तो देखा कि कोई नहीं है, और तब ये हड़कंप मच गया। और तब तक तो जेल के राहजारी बाग जेल से निकलकर जंगल के रास्ते भागते भागते ये लोग काफ़ी दूर चले आए थे, क्योंकि पकड़े नहीं गए। तो आप देखेंगे कि जेपी को हजारीबाग जेल से भगाने में बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका बेनीपुरी जी ने निभाई थी।
राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर एक बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और एक निर्भीक योद्धा एक साथ वास करते थे। एक तरफ तो राजनीतिक कर्मी समाजवादी धारा से जुड़े हुए, दूसरी तरफ एक पत्रकार और फिर कथाकार। कहानियाँ लिखते थे, ललित निबंध लिखते थे, संस्मरण लिखते थे। फिर पाँचवें दशक के आसपास उन्होंने विदेश यात्रा की, लंदन वगैरह गए और तो संस्मरणों की किताबें भी उन्होंने लिखी। हमने जो किताबें उनकी पढ़ी और वो बचपन से पढ़ी, उनमें एक तो थी माटी की मूर्तें। उनके गांव के लोग, आसपास के लोग, घर के लोग, उनके बारे में उन्होंने लिखा और वो पोर्ट्रेट्स हैं। पहली बार हिंदी में ऐसे लोगों के बारे में इस तरह के पोर्ट्रेट्स या चेहरे बनाए गए जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। और वो बिल्कुल साधारण लोग थे, गांव के लोग, बलदेव थे, भौजी थी, इस तरह के लोग थे। तो एक तो उनका स्रोत था खुद अपना गांव और उसका जीवन आसपास का। दूसरा, वो समाजवादी आंदोलन में रहे और बड़े लोगों के साथ रहे, जनता पत्रिका के संपादक भी थे वो, और लोहिया, जयप्रकाश नारायण सबके साथ रहे। वो भी उसमें वो क्रांतिकारिता उनके भीतर है जो गेहूं और गुलाब में भी है और दूसरे में। 9th या 10th क्लास में गेहूं और गुलाब की पढ़ाई होती थी CBSE में, तो किसी लड़के ने मजाक में कहा कि ये तो राजीव के नाना की कहानी है। तो जो हिंदी के जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे खड़ा किया कि क्या मजाक कर रहा हो। हमने कहा सर कोई मजाक तो मैंने नहीं किया है। तो ये लड़का क्या कह रहा है? हम कहा सर ये जो कह रहा है सही कह रहा है, वो मेरे नाना है। तो कैसे नाना हुए? हम कहा नाना कैसे, जैसे होते वैसे हुए, हमारे माँ के पिताजी हैं। संजोग से कुछ ऐसी बात ही चल ही रही थी। अगले दिन जयप्रकाश जी खुद आंदोलन के वक्त में हमारे स्कूल में चले आए मुलाकात करने। मेरा हाथ टूटा हुआ था, पिताजी जेल में थे, माताजी उस समय दिल्ली जा नहीं पाई। तो जयप्रकाश जी को किसी ने बताया किसी आंदोलनकारी ने कि ऐसी ऐसी बात है, सो चल के देखाना चाहिए। तो जयप्रकाश जी खुद स्कूल में चले आए देखने के लिए। उसके बाद से तो अगले दिन से कुछ अजीब सा माहौल हो गया हमारे लिए। लगा कि पता मैं छात्र न होकर के कुछ दूसरे ही ढंग का आदमी स्कूल में मैं हो गया, लोग मुझे उस दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे जब मैं हिंदू कॉलेज में गया तब संयोग से हिंदी में बहुत सारे लोग बिहार के ही थे, तब मैंने राम वृक्ष बेनीपुरी को ठीक से जानना शुरू किया अपने नाना से बाहर। अब सांप्रदायिकता आज एक समस्या है आज के समाज में, समाज को बांटने की प्रवृत्ति। अब उनकी कहानी है सुभान खां, आप देखेंगे। सुभान खां वो एक मुस्लिम चरित्र है, लेकिन वो मंदिर का निर्माण करता है, कारीगर है, गौई कारीगर, मंदिर का निर्माण करता है और जितने हिंदू समाज के बच्चे हैं वो उन्हें दादा कहते हैं। वो हज करने जाता है लोगों से चंदे लेकर, और हज से लौटता है तो जो छुहाड़े प्रसाद के रूप में वो सबको बांटता है। तो सुभान खां के द्वारा जो संदेश बेनीपुरी देते हैं वो एक तरह से सामाजिक सौहार्द बना रहे, धर्म और मजहब के नाम पर समाज बटे नहीं, ये बात उस जमाने में उन्होंने कही थी, तीसरे चौथे दशक में कही थी। चौथे दशक के आसपास जब इतनी नफरत धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर नहीं थी उस समय बेनीपुर, क्योंकि उन्हें आभास था कि ये समाज कहीं ना कहीं इन कुरीतियों का शिकार होगा और बंटेगा, इसलिए ऐसा चरित्र उन्होंने गढ़ा हमारे बीच कि सुभान खां जैसा चरित्र जो सामाजिक एकता का प्रतीक है, मेल और मोहब्बत का प्रतीक है, ये काम बेनीपुरी ने किया। कहीं धूप कहीं छाँव, एक हम लोग पढ़ते थे उसमें संसार की मनोरम कहानियाँ छठा सातवा में निकली थी उनकी, तो उसमें हमारे गांव की ही कहानी थी कि हमारे गांव का एक मजदूर था, उसको जमींदारों ने चूरा कूटने के लिए कहा कि इतना मन चूरा तुमको कूट के देना पड़ेगा। वो बेचारा बीमारी से असमर्थ था, वो कर नहीं पाया, इसलिए जमींदार ने उनको पीटा। और उसी दिन जमींदार के घर में उनकी बेटी की शादी थी, तो उसी पर वो एक लाइन लिखे थे कि जो कहीं धूप कहीं छाँव,
और प्रेमचंद की जो धारा रही है, जिस तरह प्रेमचंद ने शोषण के खिलाफ अपनी रचनाओं में एक संदेश दिया समाज को, बेनीपुरी जी ने वही काम किया है। और अद्भुत उनका उनकी पुस्तक है गेहूं और गुलाब, वो या ये कहानी धूप कहीं छा, ये अद्भुत रचनाएं हैं उनकी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे लेख, कविताएं और उपन्यास अगर उनके आत्मचिंतन का आईना थे, तो उनके द्वारा लिखे नाटक समय का आईना, जैसे अंबापाली और नेत्रदान, उनके द्वारा लिखे अधिकतर नाटक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे। वो लिखते तो थे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, लेकिन वो अभी का जो जीवन था समकालीन, उससे भी उसका संबंध होता था, खासतौर से जैसे नेत्रदान में। नाटक में तो खैर अंबपाली का कोई जोड़ा नहीं है, अंबपाली का जोड़ा नहीं है। और अंबपाली से थोड़ा मुझे और भी हुआ कि वो जो प्रथम नाट्य समारोह दिल्ली में हुआ था, उसमें अंबपाली का भी चयन हुआ था, और उसकी रिहर्सल बाबूजी के डेरे पर होती थी शीतल भवन में। तो वो सब हर रोज रिहर्सल सुनता था, तो उसके डायलॉग भी मुझे उस समय याद आ गया था। तो नाटक में सबसे अच्छी वो चीज़ है। और बाबूजी की आत्मकथा है, मुझे याद है, जिसमें कि बचपन से लेकर के अंत तक की सारी चीज़ें बाबूजी ने लिखी हैं। हम लोग की जो भाषा है ना, बोलचाल की भाषा, वह बज्जिका है। तो बज्जिका को वो प्रोत्साहन भी देते थे। वो जब विधानसभा के सदस्य थे, उस समय उन्होंने बज्जिका को प्रांतीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए बहुत पहल भी की थी। तो बज्जिका में ही वो घर पर रहते थे, तो हम लोग से ज़्यादा बज्जिका में ही बोला करते थे। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, माने हर चीज़ बज्जिका में ही बोलते थे। बउआ जाई छा, बउआ हाँ, मुझको बैडमिंटन खेलना बाबूजी ने सिखाया था। बाबूजी बहुत अच्छा बैडमिंटन और कैरम खेलते थे। मैं भी बहुत अच्छा बैडमिंटन और कैरम खेलता हूँ, और अब अभी अपने 7 साल के पोता को सिखाता हूँ। तो बउआ चला दूबाजी हो जा, समझा, तो चल देते थे रैकेट लेकर के बाबूजी के साथ, अपना जो बैडमिंटन खेल लेते थे। कभी कभी मुझे आता था, कहते बउआ अब कैरम खेलै छी, बस जाते उनके साथ कैरम दोबाजी खेलते। तो इस तरह से अपना हम लोग का समय गुजरता था। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की 25वीं सालगिरह पर सन 1999 में भारतीय डाक विभाग ने राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम से डाक टिकटों का एक संग्रह शुरू किया। आज भी बिहार सरकार उभरते लेखकों को राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम से पुरस्कार प्रदान करती है। ये तमाम सम्मान इत्यादि इस बात को साबित करते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम तक लेना हमारे लिए गौरव की बात है। उनके जीवन का एक सबसे कारुणिक पक्ष जो मुझे बराबर कुरेदता है कि अपने गांव में एक बड़ा मकान उन्हें बनाया था और पुस्तकालय बनाया था, और उस पुस्तकालय का उद्घाटन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से वो कराना चाहते थे, और लगभग तय कर दिया उन्होंने, तारीख तय हो गई। और इसके लिए वो जाड़े का समय था, गांव में घूम घूम कर वो प्रचार प्रसार करते थे कि राजेंद्र बाबू जब आए पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए, तो आसपास के गांवों के लोग जमा हों। और इस बीच मुजफ्फरपुर जिले के कुछ कर्मियों ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया, और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रपति भवन को यह संदेश भिजवाया कि विधि व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति का आगमन उस गांव में उचित नहीं है, कहीं ना कहीं कोई हंगामा हो जाएगा, और उस कार्यक्रम को लोग रोकवाना चाहते थे। एक प्रतिस्पर्धा थी,
क्योंकि बेनीपुरी तो समाजवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कुछ कांग्रेसी जो उनसे ईर्ष्या द्वेष रखते थे ऐसा उन्होंने किया और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को रद्द कराने की कोशिश की। ये बात मालूम हुई बेनीपुरी जी को और वो गए दिल्ली जा कर के, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुफिया विभाग से इसकी तस्दीक करवा ली जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और राजेंद्र बाबू तो इतने सहज व्यक्ति थे तो उन्होंने समय दे दिया, कहा कि नहीं हम चलेंगे उद्घाटन करने के लिए। और इस बीच बड़े उत्साह से और खर्च वगैरह के लिए बेनीपुरी तो बहुत, उनके पास इतने साधन नहीं थे, ये लेखक थे तो एक लेखक का जो सामान्य जीवन होता है तो उसके लिए अपने मित्रों से कुछ सहयोग भी वो ले रहे थे इसके लिए, और दौरा भी कर रहे थे कि अधिक से अधिक लोग आए कार्यक्रम में। जाड़े का समय था, ठंडक उनको लगी और वो लकवा ग्रस्त हो गए। और सबसे कारुणिक पक्ष की जब हल्का एक झटका लगा था, लेकिन जब कार्यक्रम हुआ, राजेंद्र बाबू आए और उद्घाटन हो रहा था, तो स्वागत भाषण के लिए जब वो खड़े हुए तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उनका कुछ मरीज थे, वो इस बीपी उनका बढ़ा हुआ था, उसी समय उनको दौरा पड़ा और वो स्वागत भाषण कर ही नहीं सके, मुंह खुला उनका और कुछ आवाज़ फंस गई, कुछ कहते रह गए और आँखों से आंसू झरते रहे। उद्घाटन हुआ पुस्तकालय का और बेनीपुरी जी की वाणी मौन हो गई। जो जीवन भर इतना मुखर व्यक्ति था, जिसके अट्टहास इतने प्रसिद्ध थे कि लोग चौंक जाते थे, आह्लादित हो जाते थे, कोई निराश व्यक्ति भी उनके आगे पहुंचता था, देखता था उनको तो प्रसन्न प्रफुल्ल हो जाता था, वो बेनीपुरी देश के राष्ट्रपति के स्वागत भाषण के समय मौन हो गए। पक्षाघात हुआ और फिर कार्यक्रम किसी तरह हो गया, एक जो राष्ट्रपति आए तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया और उसी समय गाड़ी से फिर उनको मुजफ्फरपुर लाया गया अस्पताल, और फिर जो बीमार पड़े तो स्वस्थ नहीं हो सके। तो यह है उनके जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन वो हौसला उनका पूरा हुआ कि उन्होंने पुस्तकालय का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों करवाया, इन तमाम षड्यंत्रों के बावजूद। दिनकर चाचा यहीं आए हुए थे, मेरे जीजा जी के हैं, बाबू जी के मरने के बाद तो मैंने एक कागज बढ़ा दिया कि चाचा बाबू जी के बारे में कुछ लिख दीजिए। वो भी दिनकर जी भी तो विलक्षण आदमी थे, तो उन्होंने तुरंत उस पर लिख दिया था कि जीवन से हम उतना प्यार नहीं करते जितना मौत से डरते हैं, जीने वाले का मोल थोड़ा होता है, कीमती वो है जो मर जाते हैं, जीवन ऊपर ऊपर आनंद भोगता, गहरी व्यथा केवल मृत्यु जगाती है, बच्चन के साथ मैं हंसता खेलता हूँ लेकिन याद मुझे बेनीपुरी की आती। बेनीपुरी जी के लोकप्रिय होने के बाद ये मकान बना जहाँ उनका पूरा परिवार उनके साथ रहता था। मेरे पीछे जो कमरा है वो बेनीपुरी जी का अपना कमरा था, लेकिन बाढ़ की वजह से ये पूरा गांव और ये मकान अस्त व्यस्त हो गया। जितना मकान जमीन के ऊपर है उतना ही मकान जमीन के नीचे भी है। वे सचमुच हमारे गंगा गौरव है, हमें उन पर बहुत नाज है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।